दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं राणा, आप देख रहे टेक केयर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों हम अगर किसी फ़ोन एक फ्लैगशिप फ़ोन खरीदने में जाते हैं तो पहले हम तीन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। वो क्या है कि उसका प्रोसेसर, उसका कैमरा और उसका बैटरी। हाँ दोस्तों, इन तीन चीज़ों को हम ज़रूर वॉच करते हैं कि कैसा उसका फ़ोन का, ये तीन चीज़ें कैसा है। तो अगर हम बात करें एक ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन का जो आज लॉन्च हुआ है तो वो है Asus ZenFone 6। हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से ये ग्लोबली लॉन्च हो गया था लेकिन इंडिया में लॉन्च होने में टाइम ले रहा था क्योंकि इसका जो Zen नाम है इसके में कुछ प्रॉब्लम था इंडिया में, इसलिए नहीं आ रहा था। लेकिन इसने अपना नाम चेंज कर लिया है और आ गया है Asus 6Z नाम से, इंडिया में फुल्ली तरीके से लॉन्च हो गया है। तो आपको भी ये फ़ोन जल्दी मिलने लगेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के बारे में जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राणा, आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो हाईलाइट हमें लगा है जो इसका है प्रोसेसर। हाँ दोस्तों, इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो आज की डेट में सबसे अच्छा एक प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। हाँ दोस्तों, इससे बढ़िया प्रोसेसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे अच्छा प्रोसेसर मार्केट में अभी यही चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी में ये देता है आपको 5000 mAh का बैटरी और आपको इसके साथ ही मिल रहा है क्वाडकोर 4.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी से आपका फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा और जो बैटरी है बैकअप आपको 2 से 2.5 दिन का भी बैकअप आराम से दे देगा, ठीक है। तो इसका अगर हम कैमरा का बात करें तो आप शौकीन हो जाओगे इसका जो कैमरा है। इसको में आपको मिलता है 48+13, पीछे और आगे सेम एक ही कैमरा है जो गुलाटी मार के पीछे से ऊपर आता है और ऊपर से नीचे आता है और आपको फ्रंट में और बैक में एक सेम कैमरा दिखने को मिलता है। इस फ़ोन का जो आइडिया है बहुत ही अच्छा मुझे लगा क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं इस आइडिया में। जैसे आप देखा होगा पॉपअप कैमरा बहुत निकले हैं लेकिन Asus ZenFone ने जो आइडिया निकाला है वो सिर्फ एक है, एक लौता ऐसा आइडिया है जिसमें आपको एक कैमरा जो है पीछे रहेगा और वो गुलाटी मार के ऊपर भी आएगा और आपको एक बेहतरीन कैमरा देगा पीछे और सामने आगे एक ही। तो दोस्तों आपको जो 48 वाला कैमरा मिलता है उस वो है सोनी IMX586 सेंसर जो एक बहुत ही अच्छे सेंसर है 48 मेगापिक्सल के लिए। आपको एक रियल 48 मेगापिक्सल के इमेज एक कैप्चर करके देगा। और दूसरा वो जो वाला जो कैमरा है वो 30 मेगापिक्सल का, उसमें आपको मिलता है अल्ट्रा वाइट एंगल लेंस 1250 125 डिग्री तक आप वाइट एंगल लेंस के जरिए अपना फोटो अच्छी तरीके से क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो है फुल HD IPS एक डिस्प्ले जो प्रोडक्ट है गोरिल्ला ग्लास 6 है। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक डिस्प्ले है और आपको प्रोटेक्ट मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 6 का और इसमें आपको मिलेगा टाइप सी का भी सपोर्ट और उसके साथ ही आपको इसमें 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा। इसमें एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे लेटेस्ट जो आपको मिलता है वो एंड्रॉयड फोन। दोस्तों मार्केट में ये आया है 2 वेरिएंट में जिसमें से आपको मिलता है 4GB रैम एंड 64GB रोम वाला जो आपको मिलेगा 31,990 rupees करीब करीब 32,000 के करीब। और आपको दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB एंड 256GB जो आपको मिलेगा 39,990 rupees करीब करीब 40,000 के। दोस्तों बहुत ही अच्छे एक फ़ोन है। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। इंडिया में लॉन्च तो हो गया है फुल्ली तरीके से लेकिन फ्लिपकार्ट में आपको इसका सेल देखने को मिलेगा 26 जून को। हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 दिन बाद आपको ये फ़ोन फ्लिपकार्ट में सेल के रूप में देखने को मिलेगा, आप वहाँ से इसको सिंपल तरीके से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, फ़ोन में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या आप इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट में बताइए। हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर लेना। और आप अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर भी दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो ज़रूर कर लेना।
दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।